तो पढ़ाई लिखाई तो एक जज्बा है ना राजू, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी से आप जोड़ के रखेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अरे तुम जो पढ़े हो सकता उसी की नौकरी ना करो। गांधी जी पढ़े थे बैरिस्ट्री, लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था कि नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का? क्यों भाई, कितने रैंक थी उनकी? हाँ, फोर्थ रैंक थी। और उस जमाने में बेटा लंदन सेंटर होता था, पहली बार इंडिया में सिविल सर्विसेज का सेंटर 1922 में एग्जाम हुआ इलाहाबाद में लंदन के साथ, इंडिया का पहला सेंटर इलाहाबाद। इसीलिए उस सिविल सर्विसेज का वहाँ नदी गंगा नदी बहती है, सिविल सर्विसेज की बैतरणी जिसको गंगा यमुना सरस्वती वहीं है, आज भी वो हब बना हुआ है और हम लोग वहीं की पैदाइश। तो कक्षा 7-8 में पढ़ेंगे तो पता चला प्रतियोगिता विकास वगैरह पढ़ी है, देखे IAS टॉपर कौन है, यदुवेंद्र माथुर, कहाँ से, IIM लखनऊ से। कौन है, रजनी शेखरी, कहाँ से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और ये कब की बात बता रहे हैं, 1986 की। 1986 के टॉपर लड़कों में थे यदुवेंद्र माथुर और लड़कियों में थी रजनी शेखरी। इस रजनी उस रजनी में क्या अंतर है, क्या समझे, इस रजनी और उस रजनी में क्या अंतर। प्रिया तेंदुलकर का नाम सुने हैं कि नहीं, उस समय एक रजनी नामक सीरियल आता था दूरदर्शन पे। इंटरव्यू बोर्ड ने रजनी शेखरी से पूछा कि इस रजनी उस रजनी में क्या अंतर है, तो तुरंत दिमाग लगाया ना उन्होंने कि ये रजनी का मतलब वहां बात कर रहे हैं, ये वो रजनी, क्या समझे, वो रजनी क्रिएटिव है, ये रजनी एक्टिव है। आपको जो समझने वाली जो बात है वो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लाएंगे तो एजुकेशन वगैरह ये सब काम कर देता है। अब करिए नौकरी IAS OAS की जो बन गए हैं, पता लगा 3 बार आपको समझाना पड़ रहा विद्यार्थी की तरह से, क्या पढ़ लिख के आए यार। गांधी जी वगैरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो रोलेट एक्ट आया होगा तो उसको सूंघ के ही बता दिए होंगे, वाहियात कानून है। हाँ, ऐसे मात्र, अरे ये कौन कानून बनाया ये, ऐसे सूंघ के बता दिए होंगे कि रोलेट एक्ट जैसा वाहियात कानून हो ही नहीं सकता। तब हवाई जहाज से आप उड़िए लंदन से और दिल्ली लैंड करने वाला हो और आप 3,000-4,000 फीट की ऊंचाई पर रहिए, बहुत 200-400 किलोमीटर दूर, तभी दिल्ली की खुशबू आने लगती है। अपने वतन, अपने घर, अपनी शिक्षा, अपनी सोच, अपनी खुशबू होती है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हम कह रहे हैं किसी होटल में चले जाइए, 5 स्टार में चले जाइए जहाँ बढ़िया नौकर चाकर सुविधा सब, लेकिन जब आप अपने कमरे में जाते हैं ना तो आपको आगोश मिल लेता है। इसलिए दुनिया से सबसे बेहतर देश अपना देश होता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आपके अपने घर के लोग होते हैं और दुनिया में सबसे खूबसूरत डिग्री आपकी वो है जो आपके पास है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत खुशबू होती है।